आप कब आए? जब तुमने बुलाया। अगर मैंने तो किसी को नहीं बुलाया। क्या हुआ? बैठो। देखो मैं किसी नहीं हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम किसी के सामने इतना नहीं रोती हो। क्या हुआ? क्या बात? मैंने तुम्हें इतना ज्यादा दुखी सिर्फ उसी दिन देखा था जिस दिन शगुफ्ता आंटी का जनाजा उठाया था। क्या हुआ है बताओ ना। मुझे लग रहा है कि जैसे आज फिर से वही दिन लौटा है। आज एक बार फिर अम्मी का जनाजा इस घर से उठा। जब भी बहुत याद आ रही है, बहुत। समझ नहीं आ रहा कि कोई कितना याद कैसे आ सकता है। मैं समझ सकता हूं, मां की जुदाई का दर्द है। ये दर्द जाता नहीं, बल्कि इसका साथ जितना पुराना होता जाता है ना, ये उतना तकलीफ दे होता है। जी भर के रो लो, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। आप जानते, जब मां चली जाती है ना, तो दुआओं की वो चादर भी छिन जाती है जो हमें दुखों की सर्दी गर्मी से बचा के रखती, महफूज रखती थी। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। एक बात बताओ, मेरी कॉल्स क्यों अटेंड कर रहे तुम? क्या इशू क्या है यार? मैं जब से आई हूं ना, मैं नोट कर रही हूं तुम बहुत बिजी और अजीब बोरिंग से भी हो गए हो। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, और कोई काम ही नहीं है। मेरी बात सुनो, थोड़ा रिलैक्स करो, लाइफ एंजॉय करने का टाइम है ना अभी। मैं अपना काम बहुत एंजॉय करता हूं, बिल्कुल बोर नहीं होता। मेरी बात तो सुनो। अच्छा लिसन, मैंने मूवी का प्लान बनाया है। देखो कोई बहाना नहीं चलेगा, मेरा कोई फ्रेंड भी तो नहीं है यहाँ पे। मेरी सारी की सारी छुट्टियां बेकार चली जाएंगी यार। आई स्वेयर, अगर मुझे थोड़ा सा भी आईडिया होता ना कि तुम इतना बिजी हो, कभी भी नहीं आती मैं। फिज़ा प्लीज, मैं मूवी देखने नहीं जाऊंगा यार, मैं बहुत थक गया हूँ। आज का सारा दिन बहुत बिजी गुजरा है, मैं नहीं जा पाऊंगा। तुम एक काम करो, मम्मा के साथ या रीच के साथ चली जाओ। इनफैक्ट रीच को फिल्म देखने का बहुत शौक है। हैव फन। मेरी बात तो सुनो। Are you serious? ठीक है, चले जाऊंगी मैं अकेले।